कैंपियरगंज विधायक व उनके पुत्र फतेह बहादुर सिंह ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती के अवसर पर इंद्रावाल बिहार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मसीहा व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती के अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है। पूरे देश में वीर बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह कार्यक्रम मना रहा है। गोरखपुर में जो भी विकास हुआ है यह उन्हीं की देन है। मौजूदा प्रदेश सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है, जो कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह नहीं पूरा कर पाए थे। वहीं इस संबंध में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश उनका 88वां जन्मदिन मना रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह व जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, 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 अमर रहे, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, जब तक सूरज काल रहेगा, सूरज काल रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज काल रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज काल रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मसीहा और स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, जिनके नाम से गोरखपुर जनपद की पहचान की जाती है, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में वीर बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली का कार्यालय हो, चाहे उत्तरांचल का हो, चाहे अन्य प्रदेशों में भी। आज उनके कृत्यों को, उनके संकल्पों को, उनके किए गए विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है और पूरा देश ये जानता है कि आज गोरखपुर का जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर खास तौर से विकास हुआ है, ये उन्हीं की देन है। सबसे पहले तो उनको हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनका 88वां जन्मदिन है। हम सभी लोग, खासकर जो हमारे संस्थाएं हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित हैं और सामाजिक और सोशल कार्य करती हैं, वहाँ पर सभी केंद्रों पर आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके किए हुए कार्यों को फिर से हम लोग याद करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन ज्ञापित कर रहे हैं।